D4 यू न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। बजट आ चुका है, ये बजट कैसा है इसी को लेकर हम आज आपसे बात करेंगे। इस बजट में जनता को कुछ नहीं मिला है, अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी को सरकार ने कुछ नहीं दिया है। भले ही शेयर मार्केट में भारी उछाल आया है, लेकिन आम आदमी का शेयर मार्केट से कुछ लेना देना रहता नहीं है। क्या सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार LIC का IPO लाने जा रही है। क्या सरकार आर्थिक संकट में है? इस पर भी बहुत बड़ा सवाल कई विशेषज्ञों की ओर से खड़ा किया जा रहा है। पहले FDI का निवेश मात्र 49% रहता था, अब इस निवेश को बढ़ाकर 74% तक कर दिए जाने की बात इस बजट में कही गई है। पहले जब देश की कंपनियां हावी रहती थी, क्योंकि 51% का बजट था उनका रहता था, हिस्सेदारी 51% की उनकी रहती थी, अब जब हिस्सेदारी 74% की FDI की हो जाएगी तो फिर आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आखिरकार हमारी देश की कंपनियों की स्थिति क्या होगी। सैनिक स्कूल बनाने में प्राइवेट सेक्टर की मदद लेने की बात भी कही जा रही है। ये तो समय ही बताएगा कि प्राइवेट सेक्टर उन स्कूलों को हथिया लेता है या फिर स्कूलों की बेहतरी के लिए कोई काम करता है। सरकार 1,75,000 करोड़ रुपए निवेश के जरिए जुटाने की बात कर रही है। पिछले साल ये राशि 2,00,000 करोड़ की थी, लेकिन सरकार अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई थी। नई सड़कों के निर्माण की बात की जा रही है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी होगी या फिर सीनियर सिटीजन को टैक्स नहीं देना होगा। क्या टैक्स चोरी करने वालों को फायदा दिया गया है? क्योंकि पहले जो रिकॉर्ड था किसी भी व्यापारी को वो 6 साल तक का रखना होता था, लेकिन इस नए बजट में ये रिकॉर्ड 3 साल तक रखने को कह दिया गया है। कुछ चीज़ें महंगी तो कुछ सस्ती होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑटो पार्ट्स पर 7.5% से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी है। इससे गाड़ियां महंगी होने की प्रबल संभावना है। सोलर इन्वर्टर महंगा होगा क्योंकि इस पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% बढ़ाई गई है। मोबाइल के फ़ोन चार्जर और हेडफोन पर इम्पोर्ट ड्यूटी 2.5% बढ़ाई गई है। हाँ, सोना और चांदी पर सरकार ने इस बार इम्पोर्ट ड्यूटी 7.5% कम कर दी है। इससे ज्वेलरी सस्ते होने का अनुमान है। स्टील प्रोडक्ट पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी 7.5% कम कर दी गई है। तांबे पर इम्पोर्ट ड्यूटी 2.5% घटाई गई है। चुनिंदा लेदर को कस्टम ड्यूटी से हटा दिया गया है। वित्त मंत्री ने सबसे बड़ा प्रहार जो आम जनता पर किया है वो ये है कि सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये सेस का प्रस्ताव रखा है। ये 2 फरवरी से लागू हो जाएगा। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया है कि इसका बोझ आम आदमी पर नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोग सोच रहे थे कि हम आम आदमी पर टैक्स का बोझ डालेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट बजट पर फोकस किया गया। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च और हेल्थ सेक्टर पर जोर देना इस बजट की 2 अहम बातें रही हैं। आपको बजट से जुड़ी कुछ बातें बता दें। वित्त मंत्री ने कहा कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर हम 75 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को राहत देना चाहते हैं। उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी टैक्स रीअसेसमेंट केस 6 साल तक खोला जा सकता है। वहीं गंभीर मामलों में 10 साल तक भी केस खोले जा सकते थे, अब इसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। गंभीर मामलों में जब 1 साल में 50 लाख से ज़्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ही इसकी मंजूरी देंगे। 85,000 करोड़ रुपए के टैक्स डिस्प्यूट हाल ही में खत्म हुए हैं। छोटे टैक्स पेयर के लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाई गई है। 50 लाख तक की इनकम और 10 लाख तक की विवादित इनकम वाले लोग इस कमेटी के पास जा सकेंगे। ये कमेटी फेसलेस होगी, नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनेगा। अगर अभी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होता है तो टैक्स ऑडिट कराना होता है। 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए ये छूट बढ़ाकर पिछली बार से 5 करोड़ टर्नओवर की गई थी, इसे बढ़ाकर अब 10 करोड़ किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा।
IDBI के साथ साथ दो बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में निवेश विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। LIC के लिए भी IPO लाया जाएगा। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बैंकों को NPA से छुटकारा दिलाने के लिए एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एस्टेट मैनेजमेंट कंपनियां बनाई गई हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि NGO राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोरोना वैक्सीन पर 2021-2022 में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो इसका फंड ज्यादा कर दिया जाएगा। न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देने की बात उन्होंने की है। मिशन पोषण 2 शुरू किया जाएगा। शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1,48,000 करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में खर्च होंगे। 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। ये बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा। 70,000 गांवों में वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा। बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने टैगोर और तिरुवल्लुवर की कविताएं पढ़ी। इस दौरान राहुल गांधी माथे पर हाथ रखे नजर आए। उम्मीद की जा रही थी कि नए विकल्प में नई छूट शामिल होगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसी तरह पुराने विकल्प में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये करने की मांग की थी। ATC में मिल रही छूट को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की उम्मीद थी, लेकिन निर्मला सीतारमण ने ऐसी किसी भी मांग को नजरअंदाज कर दिया।